जाएगा फिर भी दूसरा से पढ़वाएगा, अपने नहीं पढ़ सकता है। आप देखते हैं कि नहीं, दूसरा से मदद लेता है कि नहीं लेता है? लेता होगा, लेकिन जो लेता हुआ कि लेता है, हम लोग का आँखा कान हमको बड़े नहीं है, अंधा नहीं है, हम देखते हैं ना, देखते हैं घूमते हैं। तो आपके ख्याल में पत्रकार भी अनपढ़ बन सकता है? बन सकता है क्या? वीडियोग्राफी लेने के लिए उसका अनपढ़ पढ़ा लिखा आदमी होता है? फोटो खींचता पढ़ा लिखा आदमी, छोटा छोटा बच्चा देखा कि कैसे फोटो खींच लेता है। पर अगर आपको पढ़ाई इतनी कम अहमियत नजर आती तो आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अगर रुचि हमको नहीं है, रुचि अपना बच्चों को न पढ़ाई लिखाई न रुचि है, पढ़िए लिखिए। आजकल के जमाना, पहले के जमाना दूसरा था, आज जमाना जो आया है आप देख लीजिए, बिना पढ़े लिखे के गुजारा नहीं है। तब तक हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग गरीबों को उठा दिया है कि पढ़िए लिखिए। राबड़ी देवी खुद भले ही अशिक्षित हों, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राबड़ी देवी 15 वर्ष की थी जब लालू यादव के साथ उनकी शादी कर दी गई, और शादी के बाद तक उन्होंने अपने पति को देखा भी नहीं था। अभी भी आज भी कोई देहात में नहीं देखाता है लड़का लड़की। तो आपने पूछा भी नहीं कि आप मेरी शादी कहाँ पे कर रहे हैं? कैसे हम पूछेंगे, जहाँ बाप मता रही है, जिसके हाथ पकड़ा देगा उसी के हाथ में जाना है। तो पहली दफा आपने शादी में, शादी के मंडप पे बैठ के देखा उनको? नहीं, यहाँ आने पर हम देखे हैं, शादी होने के बाद देखे। हाँ। तो आप अपनी बेटियों को ऐसा करेंगे क्या? बेटी चाहेगी तो ऐसा करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, अब ये लोग के ऊपर। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करेंगे? नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जैसे ये लोग के खुशी होगा उसी में करेंगे। राबड़ी देवी को ये कहने से कोई संकोच नहीं होता कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको राजनीति में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा है, और ना ही उनकी घर के बाहर की दुनिया में कोई रुचि है। सिर्फ घर, हम पहले शुरू से घर संभाल रहे हैं, उसी में ज्यादा रुचि रखते हैं घर में, और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, देखभाल उनका। तो कोई पिक्चर नहीं? नहीं, कभी नहीं गए पिक्चर, बाजार भी आज तक बाजार करने बाजार ही नहीं गए? कभी नहीं। और मनोरंजन के लिए क्या करती हैं आप, पढ़ती हैं या? थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो बच्चे लोग टीवी खोल कर बैठता है तो वहाँ थोड़ा देर बच्चे के बीच में बैठ जाते हैं। पर कोई किताबें वगैरह नहीं? लालू यादव को अगर चारा घोटाले में पिछले साल जेल नहीं भेजा जाता तो राबड़ी देवी का राजनीति में आने का सवाल ही ना उठता। बिहार की जनता के लिए लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि सरकार की बागडोर राबड़ी देवी जैसी कम शिक्षित घरेलू औरत के हाथ में देकर लालू यादव ने उनके साथ अन्याय किया है कि नहीं। और राबड़ी देवी को देखकर तो ऐसा लगता है कि कुर्सी पर बैठा कर लालू ने उनके साथ भी उतना ही अन्याय किया है। पैसा गायब हुआ है तो जिन लोगों ने गायब किया है वो तो संगे घुमा रहा है, अपना लगे बैठा रहा है, रोड पर घुमा रहा है, वो कहाँ पकड़ाया है? आप क्यों नहीं पकड़ती हैं फिर? तो हम कैसे पकड़ेंगे? जो लोग कहता है कि माफिया राज बोलता है वही लोग का आदमी है, तो हम कैसे पकड़ लें? माफिया को तो सरकार पकड़ सकती है। माफिया को तो सरकार पकड़ेगी, सरकार जब तक रहेगी तब तक तो माफिया लोग का तो खोज करवे करेगी, पकड़वे करेगी। तो ये चारा घोटाला माफिया ने किया है? माफिया लोगों ने किया है, करवाया है लोग, जानबूझ के लोग करवाया है। हमारा सरकार में ये तो 18 साल से है, ये घोटाला जो हुआ है ये 18 साल से, आज का नया 8 बरिस से 9 बरिस से नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो पुराना वाला कोई नहीं देख रहा है, नया वाला जो सामने है, आमने सामने है, उसी को लोग पकड़ रहा है। अच्छा खैर, क्या है, क्या हम लोग के इतना मुख्यमंत्री रहते हुए रेड हुआ हमारा घर में, क्या मिला? 2 साल से लोग छानबीन लोग कर रहा है, कहाँ कहीं हम लोग के कुछ है, कहाँ नहीं मिला है, कहीं कुछ नहीं मिला है।
राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव दोनों मानते हैं कि बिहार हर तरह से ठीक है और राबड़ी की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश बिल्कुल गलत थी। बिहार की तरफ गरीबों पर उनका ध्यान नहीं है, न बाढ़ पर ध्यान है, न विकास पर ध्यान है उनका। सिर्फ राबड़ी देवी माने कैसे बिहार से कुर्सी से इनको कैसे हटाया जाए, 356 लगाए, चाहे कानून व्यवस्था झूठा रिपोर्ट दिखाकर चाहते हैं कि हम इनको हटाएं, कैसे जल्द जल्द बोलते हैं माफिया देते हैं, ज्यादा प्रधानमंत्री विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो इल्जाम, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में माफिया राज है, इस पे आप क्या कहेंगे? माफिया राज यहाँ कहाँ है? अब खुद हम राबड़ी देवी सरकार चला रही है, माफिया राज यहाँ कहाँ है कि माफिया राज लोग चला रहा है? कहते हैं कि कोई वो कानून व्यवस्था नहीं है और यहाँ सब ठीक है। जो हम लोग का रिपोर्ट था राष्ट्रपति जी को हम लोग दिए, जो उनका आरएसएस के जो गवर्नर साहब आए हैं खासकर इसी के लिए उनको भेजा गया यहाँ आपको हटाने के लिए। तो वो रिपोर्ट दिए, वो ले जाकर रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दिए, हम लोग भी अपना रिपोर्ट दिए राष्ट्रपति जी को। ये तो देखिए एक बहाना है, तो ये सब बातें क्यों फैलाई जा रही हैं? ये बातें इसलिए फैलाई जा रही है कि यहाँ किसी का कुछ चलता नहीं है, पीपुल हमारे साथ है, ये सोशल जस्टिस का स्टेट है, यहाँ दबे कुचले पिछड़े माइनॉरिटी ऑल आर कम्बाइन, 32% हमारा वोट है, उससे हम ऊपर टेकअप करते हैं और सारा उपाय थक गया लोग सब लोग और कोई चीज नहीं बचती, तो ये 156 और दुष्प्रचार करना माफिया राज बोलता हमारा साला लोग, हम माफिया हो गए। अभी उसका एक ओपोजिशन लीडर बोला बिहार की समस्याएं गंभीर हैं, उनको सुलझाना किसी शिक्षित तजुर्बेकार नेता के लिए भी आसान नहीं, तो एक घरेलू गांव की महिला के लिए कितना मुश्किल होगा उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। राबड़ी देवी के साथ एक दिन बिताकर लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ हो गई वो ये थी कि बिहार के असली मुख्यमंत्री अभी भी लालू यादव ही हैं। लालू ऐसा मानते नहीं हैं और ये भी कहते हैं कि वो दोबारा चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। कहीं भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी राजनेता की पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए तो वही राज चलाता हो पति, कहीं भी नहीं, राज तो राबड़ी देवी चलाती है। अब इसमें ये चाहे फाइलों का निष्पादन हो या जो घोषणा हो या पार्टी के घोषित नीति के तहत सरकार को काम करना है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। लोग ऐसे सोचते लालू यादव राज चला रहा, मैं सारी बात को समझता हूँ। आप दोबारा सीएम बनेंगे क्या? दोबारा सीएम बनने का कोई इरादा नहीं, सीएम का कुर्सी मेरे लिए अब अपच हो गया, बहुत दिन हो गया, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। खास चीज है जो पहले थी जो अब आप नहीं कर सकती? अब टाइम नहीं मिलता है उतना। अच्छा, पर ये राज चलाना और दिल्ली जाके राष्ट्रपति से मिलना, ये सब इसमें मजा नहीं है अलग का? इसमें हमको बैंक के अपना ही नहीं, अब हमको जब लोग चुन लिया है तो उसको तो नहीं माना है। पर इलेक्शन के बाद आप नहीं बनेंगी? नहीं, उसके बाद आप फिर आके बच्चों के पास घर में रहना पसंद करें। रहना पसंद करें।